Hello student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 7 and page number 136 and a topic named 7.3 fraction on the number line. Okay, topic 7.3. So you can write down this notebook. Topic 7.3 fraction on a number line. Okay, 7.3 fraction on the number line. Fraction on the number line. So dear student, we have to already learn this number line. Integers को हमने number line पे draw करते थे. For example, we have to draw the -3. So 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3. So here is a -3. So dot the point and round this point. Okay, you can do this. And fraction on a number line, that means fraction, this is a fraction digit. Okay, so for example, 7/4, this is a fraction digit. So first of all, draw a line. Okay, so hum zero or here is denominator 4, so 0/4. जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम डिनोमीटर 4 है, सो हमें डिनोमीटर 4 ही लेना है, बट स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट करेंगे. सो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4. यू कैन राइट डाउन दिस टू एक्स्ट्रा पॉइंट, 9/4. ओके, सो 0/4 वी गेट 0. या 4/4 व्हेन 4/4 रह गया था. सो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. सो 4/4 इट इज अ कैंसल आउट, सो पॉइंट इज अ 1. ओके, एंड हियर इज ऑल्सो 8/4. सो 8/4, सो 8 4 2 28. सो 4/4 कैंसल आउट, सो इट इज अ पॉइंट 2. ओके, सो 7/4, सो हमने स्टार्ट किया डिवाइडेड 4. ओके, और डिनोमीटर में 4 है, सो 4 सेम टू सेम होना चाहिए. सो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 4/4, 5/4 एंड 0/4 इट इज़ अ पॉइंट 0 एंड 4/4, सो 4/4 कैंसल आउट, सो आंसर इज अ 1. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ड्रॉ अ नंबर लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट ऑन धैम. ओके, सो एक्सरसाइज 7.2, नंबर ए 1/2, 1/4, 3/4 एंड 4/4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज ऑल डिवाइडेड बाई 4, बट वन इज ओनली वन इज 1/2. सो ट्राई डिवाइडेड 4 है, सो 3 इज 3 फ्रैक्शन, डिवाइडेड 4 है, सो हम 0/4 से स्टार्ट करेंगे. 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और राइट डाउन एक्स्ट्रा 2 पॉइंट, 5/4 एंड 6/4. सो 1/4, सो हियर इट इज अ पॉइंट, सो राउंड एंड पॉइंट डाउन एंड राउंड दिस पॉइंट 3/4, सो डायरेक्ट द पॉइंट एंड सर्कल दिस पॉइंट 4/4, सो डायरेक्ट द पॉइंट एंड सर्कल दिस पॉइंट. सो दिस इज अ पॉइंट 1, दिस इज अ पॉइंट 0 एंड दिस इज अ पॉइंट 1. एंड यू कैन सी दैट कि 2/4, सो 2 2 4, सो 2 2 इट इज अ कैंसल आउट, सो आंसर बिकेम 1/2. सो 1/2, दैट मीन्स हियर इज अ पॉइंट 1/2, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज अ 2/4. ओके, सो हियर इज अ 2/4, इट इज अ पॉइंट 1/2. ओके, देखो 1/4, 3/4, 4/4 हमने पॉइंट आउट कर दिया, बट 1/2, सो यू कैन कैंसलेशन 2/4, सो आंसर बिकेम 1/2. ओके, कैंसलेशन 4, दैट मीन्स 2 2 4, सो 2 2 इट इज अ कैंसल आउट, सो हियर इज अ 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो 1/2. ओके, सो 1/2, इट इज अ पॉइंट 2/4. सो एज इट इज यू कैन डू इट नंबर बी एंड सी. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक पेज टर्न 7.4 प्रॉपर फ्रैक्शन. 7.4 प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
and improper, 7.5 improper. So what is the difference between proper and improper? So proper fraction mein denominator is always big to numerator. 3 upon 4, 8 upon 2, 9 upon 3, 11 upon 2, okay, 100 upon 5, okay, 8 upon 5, 0 upon 4. सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ऑलवेज बिग होगा. ओके, आपको रीऑर्गेनाइज करना हो, क्लासिफाई करना हो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो आपको वन चीज़ ही रिमाइंडेड करके रखनी है. अगर आप टू पॉइंट रिमाइंडेड करोगे सो ऑलवेज बी कन्फ्यूज्ड. सो वन ओनली वन पॉइंट रिमेंबर करके रखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिग होता है. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिग होता है. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर स्मॉल. फॉर एग्जांपल 9 upon 20, फॉर एग्जांपल हियर इज प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिग होता है और न्यूमेटर स्मॉल. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमेटर बिग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 5 और डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉल. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिग और न्यूमेटर स्मॉल, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमेटर बिग एंड डिनोमिनेटर स्मॉल. ओके, 5 upon 3 न्यूमेटर बिग होगा एंड डिनोमिनेटर स्मॉल. 11 upon 9 ओके, न्यूमेटर बिग होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा. 100 upon 2 5 upon 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर बिग होगा, ये नहीं आएगा. 5 upon 3 11 upon 9 5 upon 4 ओके, 8 upon 7 ओके. प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे न्यूमेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बिग, यहाँ पे न्यूमेटर बिग एंड डिनोमिनेटर स्मॉल. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 28 upon 5 ओके, न्यूमेटर बिग एंड डिनोमिनेटर स्मॉल, न्यूमेटर बिग एंड डिनोमिनेटर स्मॉल. ओके, 19 upon 6 17 upon 3 ओके, 5 upon 2 सो दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन दैट मीन्स न्यूमेटर small and denominator big, numerator big and denominator small. Okay, then next topic, mixed fraction we have to already learn standard 5 mixed fraction. For example 17 upon 4 ओके, 17 upon 4 वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन दैट मीन्स 1 upon 1, 1 upon 2 इट इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन. ओके, जो फ्रैक्शन के थ्री टाइप्स हुए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दिस वन कॉल्ड इज अ मिक्स फ्रैक्शन. सो 17 upon 4 को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में. सो वी हैव टू डिवाइडेड 17 डिवाइडेड बाय 4. सो 4 4 16, 17 minus 16 वी गेट 1 एंड राइट डाउन दिस आंसर. सो हियर इज डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज राइट डाउन किया एंड रिमाइंडर वन को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और आंसर 4. सो 4 आंसर को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. ओके, सो नाउ यू कैन चेक दिस आंसर. सो 4 4 16 एंड 16 plus 1 ओके, यहाँ पे ये दोनों डिजिट का हमें मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए दैट मीन्स 4 multiply by 4 और ये डिजिट के साथ एडिशन करना है +1 and divided by 4. So 4 4 is 16 plus 1
अपॉन फोर, सो 17/4। ओके, ये हमने चेक द आंसर किया। ओके, अगेन आंसर हमारा क्या आया कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है, सो डिवाइडेड बाय 4 राइट डाउन करना है, रिमाइंडर को अपर पार्ट में राइट डाउन करना है और आंसर को यहाँ पे यू कैन चेक दिस आंसर, 4 4 16 और ये 1 को 16 में ऐड करना है, सो 16+1 वी गेट 17। ओके, देन सो एग्जांपल 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग as mixed fraction. Okay, number 1 17/4 we have to already done, so number b 11/3, 11/3 that means 11 upon dot divided by 3, 11 is divided by 3, so 3 3s are 9 and 3 4s are 12, so it is a big, and 11 minus 12 we get 2. सो आंसर कैसे राइट डाउन करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, सो डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ राइट डाउन करना है, ये डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ राइट डाउन किया, देन आप द रिमाइंडर कितना है 2, सो 2 को हम अपर पार्ट में राइट डाउन करेंगे और आंसर कितना है 3, सो 3 को हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, यू कैन चेक दिस आंसर। ओके, चेक दिस आंसर, सो ये 3 × 3 और ये डिजिट के साथ एडिशन करना है, ये दो डिजिट मल्टीप्लिकेशन में होगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एडिशन में होगा, एंड डिवाइडेड बाय 3, सो 3 3s are 9 प्लस 2/3, सो 9+2 वी गेट 11/3। ओके, अगेन डिवीजन कर दिया, मेन आंसर आपको राइट डाउन करना है कि आंसर कैसे राइट डाउन करना है, सो ये डिवाइडेड बाय 3 वी एज इट इज राइट डाउन, और रिमाइंडर 2, सो रिमाइंडर 2 को हम अपर पार्ट में राइट डाउन करेंगे और आंसर को हम यहाँ पे, एंड चेक दिस आंसर, सो 3 3s are 9 एंड 9+2 वी गेट 11। ओके, आपको नोटबुक में ऐसा नहीं करना है। देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन, सो नंबर वन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ए 20/3, सो 20/3 दैट मीन्स 20 / 3, सो 20 / 3, सो 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18 and 3 7s are 21, सो 3 6s are 18, सो 20 - 18 वी गेट 2। अब आंसर कैसे राइट डाउन करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 है, सो डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज राइट डाउन कर दिया, देन आफ्टर रिमाइंडर को हमें अपर पार्ट में राइट डाउन करना है और आंसर को हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है, यू कैन चेक दिस आंसर, सो 6 3s are 18 एंड 18+2 वी गेट 20। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 डू योर सेल्फ। ओके, देन ये हमने एक्सप्रेस किया मिक्स फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे न्यूमेटर, यू कैन सी दैट कि डिनोमेटर सभी में स्मॉल है और न्यूमेटर आप देख सकते हो कि सभी में बिग है, सो ये था हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में। अब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। ओके, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ए 2 3/4, सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन को एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सो ये 2 डिजिट का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, सो
यहाँ पे डिनोमेटर में 4 है, सो 4 है, इट इज राइट डाउन. ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एडिशन, सो प्लस 3. सो 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 अपॉन 4, सो 8 प्लस 3 वी गेट 11 अपॉन 4. नंबर बी 7 1 अपॉन 9, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एडिशन. ओके, सो डिवाइडेड 9 है, सो डिवाइडेड 9 मैंने राइट डाउन कर दिया एज इट इज़, एंड ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड प्लस 1, सो 7 9 ज़ा 63 एंड 63 प्लस 1, 7 9 ज़ा 63 प्लस 1 अपॉन 9, सो 64 अपॉन 9. ओके, सो इट इज़ अ ईजी. So you can do this example number 3, express the following as an improper fraction. So humne question number 1, 2 and 3 complete kiya. So we you have to done in our notebook and send me later. Okay, then next video 7.6 equivalent fraction. Okay, thank you.